हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। तो जो बायर है और जो सेलर है उसकी लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये डिफाइंड की हुई है सेक्शन 55 में ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो इसमें जो लायबिलिटीज और राइट्स हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल। मतलब अगर सेल पूरी हो गई है उससे पहले क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे और सेल होने के बाद क्या लायबिलिटीज ऑफ क्या लायबिलिटीज होंगी और क्या आपके मतलब राइट्स होंगे। तो अब देखिए, आपको ये पता है कि पहले देखिए बायर है एक सेलर है, तो इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट बनेगा कि हाँ हम लोग, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, वो बोलेगा मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, लाइक दैट उन दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में नेगोशिएट होंगे, दोनों कुछ बताएंगे कि ये प्राइस रहेगा, ये टर्म्स रहेंगे, पेमेंट ऐसे होगा, इस तरह का एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में बनेगा। तो सबसे पहले दोनों के बीच में एक बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये दोनों के बीच में बनेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होगा और उसके बाद एक फाइनली एग्जीक्यूट होगा, सेल डीड साइन होगा, मतलब जिसको जिस दिन सेल होगी उसको बोलते हैं, ये जो एक पीरियड है, इस एक पीरियड होगा जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल से सेल के बीच में होगा। मान लीजिए आज मैं अपनी एक प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, हम दोनों टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब मैंने जो बोल दिया वो आप सब मानोगे। मैं बोलूंगा कि मेरे को 50 लाख चाहिए, आप बोलोगे नहीं 40 लाख, हमारे बीच में नेगोशिएशन होगा, फिर आप बोलोगे कि मैं पेमेंट इस तरह से दूंगा, कुछ पेमेंट पार्ट पेमेंट होगा, कुछ उसके बाद होगा, कुछ सेल के बाद होगा, इस तरह की आपको अपना पोजीशन कब देना है, मतलब आप प्रॉपर्टी को मेरे को खाली करा के दोगे, ये करके दोगे, रिनोवेट करके दोगे, लाइक दैट्स हमारे बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस बनेंगे। तो ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, और उसके कुछ टाइम के बाद सेल होगा। ध्यान रखिए, पेमेंट कभी भी हो सकता है, पेमेंट इस पूरे इन ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के टाइम पे भी हो सकता है, पार्ट पेमेंट सेल पे हो सकता है, कुछ पेमेंट का प्रॉमिस भी आप कर सकते हो कि बाद में देंगे। पेमेंट से आपकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं है, आपकी जिस दिन सेल होगा ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, पेमेंट हो सकता है आपने बाद में देने का प्रॉमिस किया हो कि मैं 6 महीने के बाद आपको पेमेंट करूंगा बैलेंस। आपने ये बोल दिया कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तब मैंने 20% दे दिया, जब सेल डीड साइन होगी तब मैं 70% दूंगा और रिमेनिंग 10% आई विल पे यू आफ्टर 6 मंथ्स, लाइक दैट भी एक आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे जो दोनों पार्टी साइन करते हैं। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरे मींस उस पूरे दौरान किस तरीके से लायबिलिटीज रहेंगी सेलर की, क्या राइट्स रहेंगे, क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज बायर की रहेंगी, वही ये सेक्शन 55 डिफाइन करता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेल होने से पहले, जो आपकी सेल डीड साइन हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले सेलर्स की क्या क्या लायबिलिटीज हैं, तो सबसे पहले लायबिलिटीज है कि वो डिस्क्लोज करेगा सारे मटेरियल फैक्ट्स। किस चीज के मटेरियल फैक्ट्स? द फैक्ट्स अबाउट टाइटल, द फैक्ट्स अबाउट द प्रॉपर्टी। टाइटल का भी कोई जो मटेरियल फैक्ट है कि टाइटल किसके नाम पर है, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज के अंदर ये टाइटल है ये एनकमरेंस तो नहीं है, प्रॉपर्टी को कोई एनकमरेंस तो नहीं किया हुआ है, प्रॉपर्टी कहीं पे चार्ज तो क्रिएट नहीं किया हुआ है, राइट टू किसी इस प्रॉपर्टी में कोई इजमेंट्री राइट तो नहीं है, राइट टू इजमेंट मतलब पैसेज देना है किसी को, इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं है। तो इस तरह के सारे मटेरियल डिफेक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे एज ए सेलर बायर को। अब मटेरियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा कि कौन से फैक्ट हैं जो मटेरियल हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्ट ये कहता है, डिफरेंट जजमेंट्स में ये बोला गया है कि ऐसा डिफेक्ट जो अगर बायर को पता चल जाए तो
तो वो प्रॉपर्टी को या तो नहीं खरीदेगा या किसी अलग रेट पे खरीदेगा। मतलब आप कोई ऐसा डिफेक्ट है जो आप उसको बता रहे हो, अगर वो बायर को पता चल गया तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदता या खरीदता तो लोअर रेट पे खरीदता, वो फैक्ट्स आपके मटेरियल डिफेक्ट्स या मटेरियली फैक्ट्स होते हैं, उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। अच्छा, जो फैक्ट आपके बायर को पता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फैक्ट आपको पता है, सेलर को पता है वो बायर को नहीं पता है, वो आपको बताने जरूरी है। सेकंड, जो सेलर की ड्यूटी है कि वो टाइटल डीड प्रोड्यूस करेगा फॉर इंस्पेक्शन। अगर बायर बोलता है कि मेरे को टाइटल डीड देखना है, मेरे को दिखाओ आपकी जमीन के कागजात दिखाओ, तो आपको दिखाना जरूरी है, सेलर को दिखाना पड़ेगा। अगर बायर नहीं देखना चाह रहा है तो फिर वो बायर कल को ये बोल नहीं सकता कि भाई मेरे को दिखाए नहीं थे। अगर उसने बोला कि दिखाइए तो सेलर को दिखाने हैं, सेलर को अपने आप जाके नहीं दिखाने हैं। बायर क्या करेगा, बायर, ये बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बायर को अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपना रीजनेबल प्रूडेंस लगाना चाहिए, अपने जो रीजनेबल इंक्वायरी करनी है वो करनी चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो जाएगा। अगर आपने कंस्ट्रक्टिव नोटिस की क्लास पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इट विल बी ट्रीटेड एज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सेलर की ये भी ड्यूटी है कि वो आंसर करे जो भी क्वेश्चन उसको पता है और जो बायर पूछ रहा है टाइटल के बारे में। अगर बायर ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं, देखिए आपने उसको टाइटल डीड दिखाया, टाइटल डीड देखने के बाद बायर के मन में कुछ क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, तो आप साइलेंट नहीं रह सकते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर्स, ठीक है, एंड टू एग्जीक्यूट ए प्रॉपर कन्वेंस। आपको पता है ना कि मतलब अब ये जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, मोर देन 100 रुपीज की प्रॉपर्टी तो होगी, उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो उसकी कन्वेंस डीड साइन करना जरूरी है, तो वो कन्वेंस डीड आपको एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी। ये सेलर की लाइबिलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बायर आपके पीछे भाग रहा है, आप कन्वेंस डीड साइन ही नहीं करा रहे हैं। जिस दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइंड हो गया, लेकिन अभी भी तो प्रॉपर्टी आपके पास ही है ना, प्रॉपर्टी तो भी ट्रांसफर हुई नहीं है, पजेशन आपका है, टाइटल डीड भी आपके पास रखा हुआ है, जब सेल डीड साइन हो जाएगा तभी तो आप टाइटल डीड बायर को दोगे। तो ये आपकी ड्यूटी है कि जो प्रॉपर्टी है और जो टाइटल डीड है उसको आप संभाल के रखें, उसकी सेफ्टी एंश्योर करें, जैसे कि आप अभी तक कर रहे थे, जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी का करते। तो यू हैव टू टेक केयर एज ए सेलर, दी टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज टाइटल डीड। और अगर जब तक प्रॉपर्टी आपके पास है, जब तक सेल कंप्लीट नहीं होता, अगर कोई भी पेमेंट है, टैक्सेस पेमेंट करना है, चार्जेस देने हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, इन सब का पेमेंट सेलर को ही करना होगा। तो ये सेलर की लायबिलिटीज है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल। सेल जब तक नहीं हुई है तब तक उसको ये काम करना है। उसका कोई राइट भी है क्या? यस, डेफिनेटली उसका राइट है कि वो रेंट लेगा प्रॉपर्टी, और अगर कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो उस रेंट पे, उस प्रॉफिट पे जो भी इनकम जनरेट हो रही है, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है तब तक उस पे सेलर का ही राइट है। बहुत बट ऑब्वियस है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी तो बायर का राइट हो जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है तो सेलर का राइट है। अच्छा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल क्या होगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल सेलर की क्या क्या लायबिलिटीज है? सेलर की लायबिलिटीज है कि वो पजेशन दे, मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस, आपको पजेशन देना है सेलर को, प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर करनी है कि हाँ ठीक है ये ले लीजिए। दूसरा है कि जो टाइटल है, एम्प्लाइड कोविनेंट फॉर टाइटल, मतलब ये जो टाइटल है ना इसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये मान के चलेगा, अगर आपने सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है, सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी हम यही बात करते हैं कि देयर इज ए एम्प्लाइड वारंटी फॉर टाइटल, मतलब जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको हम ये मान के चलेंगे ये प्रॉपर्टी उसको बेचने का अधिकार है, उसके पास राइट है, उसके पास अथॉरिटी है, इंप्लाइड है ये कंडीशन टाइटल की। और कोई भी जो बायर है या सब्सिक्वेंट बायर,
मान लीजिए ये सेलर है, इसने ये प्रॉपर्टी बायर को दी, तो बायर के पास ये पूरा राइट है, ये मान के चले कि ये सेलर का टाइटल प्रॉपर्टी बेचने का है। अब इस बायर ने दोबारा एक दूसरे बायर को प्रॉपर्टी बेच दी, तो ये जो टाइटल का जो कंडीशन है ये इम्प्लाइड है, इट रन्स विद द लैंड। इट रन्स विद द लैंड मीन्स कि जो सब्सिक्वेंट बायर है वो भी ये मान के चल सकता है कि ये प्रॉपर्टी बेचने का सेलर के पास अथॉरिटी था, और जब उसको पैसा मिल जाए, प्राइस मिल जाए, तो वो टाइटल डीड क्या कर दे, डिलीवर कर दे। ये उसकी लायबिलिटी है सेलर की कि बायर को वो टाइटल डीड दे दे ऑन रिसीप्ट ऑफ प्राइस। अच्छा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेलर के पास भी कोई, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल भी सेलर के पास कोई राइट है क्या? यस, सेलर के पास राइट है कि वो चार्ज क्रिएट कर सकता है फॉर प्राइस अनपेड। क्या मतलब है इसका? देखिए, मैंने आपको बोला कि पेमेंट और ओनरशिप का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा पेमेंट होने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी। सेल डीड साइन होने से भी आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। हो सकता है आपने अपने एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि पेमेंट 20% पेमेंट या 30% पेमेंट मैं बाद में दूंगा। अगर ये, अब देखिए, ओनरशिप पे ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप के साथ पोजीशन भी हो सकता है ट्रांसफर हो गया हो। अब सेलर के पास तो कुछ बचा नहीं, लेकिन ये 20% पैसा उसको कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। तो वो क्या कर सकता है? एक चार्ज क्रिएट कर सकता है जो भी अमाउंट उसका अनपेड है। इट इज द राइट विच इज अवेलेबल विद द सेलर। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने देखा कि सेलर्स की क्या लायबिलिटीज हैं और सेलर का क्या क्या राइट्स है। तो ये हमारा था आज का सेलर के ऊपर। कल के वीडियो में जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द लायबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ द बायर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप ये इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगर कुछ गलती लग रही है या कुछ ऐसा लग रहा है जिसको आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।